ये को तकरीबन 8 बजे की बात है परसों की। तो कल तो उनका फोन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बाकी फैमिली घर में 3 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे, एक बच्ची है छोटी सबसे, तो एक भाई है, बहनें हैं 4। तो ये परिवार है हमारा। बच्चे दोनों की शादी हो रखी है, बच्चियों की भी हो रखी है, एक बच्ची है घर में, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं नाना अकेडमी में, उसके बच्चे मेरे के जो शहीद हो गया उसके। तो हमारा यही कहना है सर कि जो ये हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो इसको सबक नहीं सिखाया आज दिन तक। छोटे बच्चे जो है ना, आम तो जो फौजी है उसको मैं बच्चा ही समझता हूँ, क्योंकि जिसका फौज में बच्चा जाता है उसी को पता होता है कि क्या है। मेरे को बहुत फख्र है सर कि मेरे बच्चे ने शहीद हुआ इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, क्योंकि इसी ज़मीन से हम निकले हैं और इसी में जाएंगे। तो एक तो माँ होती है ना जन्म देने वाली, सबसे पहले जन्म ये देती है धरती जिसे हम पैदा हुए हैं, ये माँ है सबकी। तो उसके बाद दूसरी माँ होती है जो जन्म देती है, पहले जन्म इसी ने दिया सबको। तो हमको बहुत फख्र है इस चीज़ का, मेरा बच्चा जो है शहीद हुआ है। मेरे पोतरे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, इनको भी इंशाल्लाह मैं फौज में भेजूंगा अगर जिंदगी रही मेरी तो। मगर जो भी इंसान हमारा देश का गया वो एक से एक बढ़कर गया, और एक ऑफिसर को बनाने में कितना खर्चा होता है और कितना टाइम लगता है। आज ये कई हजारों घरों में ये रवास और पटास खिलाफ हमारे पड़ोसी मुल्क के पड़ा है। तो मैं ये बार बार कह चुका हूँ कि ये आदत से बात कभी भी नहीं आएगा, तो इसका कोई डिसीजन फैसला ले लो एक ही बार, क्योंकि हमें बॉर्डर के लोगों को ये हमेशा देखना पड़ता है, ये जुल्म और सुतम सहना पड़ता है। तो पहले तो गोलाबारी चल रहा था तो हम बड़े मुतासर थे, अब तो 8-10 साल 15 साल हमने अच्छे निकाले हैं। तो उस तरफ ही गरीब लोग मरते हैं, इस तरफ ही गरीब लोग मरते हैं। ये जो दहशतगर्दों की तंजीम है, इस तंजीम का कोई हल करें।